Good. देखो मैं तीन गिनने वाला हूं, इसके बाद भी अगर तुम लोग नहीं उठे तो पानी में डुबोकर, शरीर को भिगोकर, साबुन लगा लगा कर नहाना पड़ेगा। ठीक है मधु। एक, दो। आंख खोल के मेरी तरफ देखो और कान खोल के मेरी बात सुनो। सोम, तुम आज गाय का दूध निकालोगे। नहीं निकला तो मैं तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा, समझे? मंगल, लकड़ियां काट कर गोदाम भरोगे। कुमारी, धार नहीं है। अबे धार नहीं है तो उस तरह से काम चला है। बोलो। बोध। हाँ बोध। जानवरों का अस्तबल साफ करोगे, पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों की बीट साफ करोगे। अरे क्यों साफ कराते हो, लीद की खुशबू फिर कहाँ मिलेगी? अपने कपड़े सूंघ लेना, खुशबू मिल जाएगी। फिर ट्रैक्टर लेकर खेत जोतना शुरू करो। खेती बाड़ी से क्या फायदा, होटल में खाना मिलता है ना, उसी से पेट भर लिया करेंगे। एक घूसा मारूंगा जिंदगी भर के लिए पेट भर जाएगा तुम्हारा, चला के बढ़। शुगर, आज से तुम खाना पकाओगे लेकिन सबसे पहले बर्तन साफ करोगे। जी जी जी। सुबह सुबह पानी में कौन हाथ डालेगा? पानी में हाथ नहीं डालोगे तो मैं तुम्हारा सर उसमें डाल दूंगा, समझे? सनी, घास काट कर पीछे की बाड़ी में जमा करो। काटने की क्या जरूरत है रवि? नहीं मतलब घास तो वही उगती है ना, तो जानवर जाके वही खा लिया करेंगे। अनाज भी तो खेतों में उगता है, तो उसे काट कर पकाने की क्या जरूरत है, वही जाकर कुत्ते की तरह खा लिया करो ना। चलो रवि, ये तो तुम्हारा जुल्म है, तुम रोज हम पर हुक्म चलाते रहते हो यार। जाओ मुर्गी का दूध निकालो, घोड़े की लकड़ी काटो, खेत का अस्तबल साफ करो और खुद टांग पर टांग धरे तमाशा देखते रहते हो। देखो मैं तुम लोगों का बड़ा भाई हूं, बड़ा भाई बाप के समान होता है, बाप का हुक्म मानना बेटों का फर्ज है। अगर बाप एक दिन अपने बच्चों को आराम देने के लिए खुद हाथ पैर चलाए तो क्या उसकी बापता कम हो जाती है? ये बापता क्यों होती है? अगर माँ की ममता हो सकती है तो क्या बाप की बापता नहीं हो सकती? अब बोलो तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। वो इसलिए कि मैं तुम लोगों का कमांडर हूं। कमांडर जंग में प्लान बनाता है, तलवार लेकर खुद लड़ने नहीं चला जाता। हाँ तो ठीक है, फिर हम सबको हफ्ते में एक एक दिन चांस मिलना चाहिए कमांडर बनने का, क्यों भाइयों? किसको क्या चांस चाहिए? हम सबको एक एक दिन के लिए कमांडर, कमांडर, कमांडर बनना है। किसको कमांडर बनना है सामने आए? चलो भाई तो तुम लोग कमांडर बनोगे। कहीं अगर तुम लोगों को ये मौका ना मिले तो हम लाल झंडी लेके हड़ताल करेंगे, सुन के खिलाफ आवाज उठाएंगे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी पूरी करो। अब कहो क्या जवाब है हमारी मांगों का? जवाब चाहिए? हाँ बहुत सीधा सा जवाब है, चेंट खुली की मेंट खुली की। साले कमांडर बनने आए। लंबू आ रहा है, खुद भी मार खाएगा, हमें मार खिलवाएगा। मुझे भूख लगी है। चल भूखदा पुत्र, चल भूख। रवि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
नहीं नहीं मेरा मतलब था आज सिर्फ इतना सा ही खाओगे ये सब तुम लोगों के लिए मैं तो भूखा मर जाऊंगा के बच्चे को मजा चखाना चाहिए वो हमसे छोटा है इसलिए हम उसे हमेशा माफ कर देते हैं बिल्कुल अरे यार ये रोज हमारा उल्लू बनाता है कभी झूठ मूठ बेहोश हो जाता है कभी पेट में दर्द का बहाना लेके बैठ जाता है अरे ये वही आदमी है बगल में प्याज दबा के बुखार चढ़ा लेता है और क्या मजा चखाओगे उसको क्या मजा है क्या सर है उसे 5 किलो भेजा तो होगा सोचो सोचो भैया सोचना होता अपने बस की बात है नहीं अरे यार कोशिश तो कर अरे भाई नहीं होता सोच लिया अरे दम है दम है बेटा चूल्हा चूप करके दिल मेरा धड़के यार यकीन नहीं आ रहा है कि रवि हम पर एकदम मेहरबान होकर ये चांस क्यों दे रहा है ये मौका क्यों दे रहा है अरे क्यों नहीं देगा हा? आखिर हम उसके छोटे भाई तो हैं हमारी शक्लें अलग अलग हैं तो क्या हुआ दिल तो एक है वो तो हाँ ये बात है बात क्या है मैं बताता हूँ सुन रवि ने एक शर्त रखी है जो उस शर्त को जीत जाएगा उसे 7 दिन की छुट्टी एक एक घंटे बाद दूध मलाई मीठे मीठे फल यानी कि पेट भर के खाने को मिलेगा पेट भर क्या है कुछ नहीं एक मामूली से घोड़े को अपने बस में करना दूध मलाई मामूली से घोड़ा कौन सा अरे कहीं वो सफेद जंगली घोड़ा तो मामूली से अरे यार रवि ने तो खुद उसे करीब जाने को मना किया है उसने कहा है ना कि जब तक उसे पूरी तरह ट्रेन ना कर दे उसे दूर रहे और ना वो किसी की भी हड्डी पसली कर सकता अरे यार मुझे अगर एक हफ्ते की छुट्टी मिल जाए तो मैं तो बिस्तर से बाहर निकलू ही नहीं ना मुंह धोऊं ना कुली करूं ना ही कपड़े बदलूं वहीं खाता रहूं वहीं पीता रहूं वहीं करता रहूं सपना देखता रहूं उठूं खाना खाऊं सो जाऊं फिर सपना देखूं उठूं खाना खाऊं फिर सो जाऊं लेकिन हम तकदीर के मारों को 7 दिन की छुट्टी मिलेगी कहां से कैसे कैसे हेलो गुरखा ए गुरखा जी मैम साहब ये नमूना अगर दोबारा यहां नजर आया तो समझ लो कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी समझे समझ गया सुना तुमने चलो बाहर ये डंडा देखा है वो जो नीचे बोला था दोबारा बोलो वो तो मैं मजाक कर रहा था जल्दी नीचे रखो कोई देख लेगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी ये भूल का चक्कर तो बेकार हो गया शीला से मिलके कोई और पैंतरा सोचना पड़ेगा तो मरीज आपका भाई है जी हाँ सिस्टर मेरा बड़ा भाई क्या तकलीफ है उन्हें बहुत तकलीफ है सिस्टर पहले तो सिर्फ उसका दिल ही घायल था अब पूरा शरीर घायल हो गया है क्या मतलब मतलब ये सिस्टर कि उसको उस लड़की से प्यार हो गया और उसने अपना दिल उस लड़की के कदमों में रख दिया लेकिन उस लड़की ने उसे धार फुटबॉल समझ कर लात मार दी उस मासूम का दिल चकना चूर हो गया सिस्टर और उसी जोश में आकर वो खुदकुशी करने निकला सिस्टर और ऊंचे से पहाड़ से उसने छलांग लगा दी क्या फिर क्या हुआ ऊपर वाले का एहसान है सिस्टर वो बच गया उस लड़की पर इस बात का कोई असर हुआ यही तो मालूम करना है अगर आप उस लड़की की जगह होती तो आप पे तो असर होता ही ना तो जरूर असर होता
मैं इंसान हूँ, मैं उस इंसान की कदर करती, उसके प्यार को कबूल करती, उससे माफी मांगती। बस रवि का काम हो गया। जब तक मैं ना बोलूं बाहर नहीं निकलना। मगर सवाल ये उठता है कि एक लड़की आ रही है, हम कमरे में क्यों घुसे? हाँ, लड़की आ रही है, कोई मिल रही नहीं आ रही। अरे आखिर ये लड़की है कौन? हाँ, चुप चलते हो या तू एक? कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। नहीं नहीं, कोई नहीं निकलेगा और कोई आवाज नहीं करेगा। आवाज कोई नहीं करेगा, समझे? हाँ हाँ समझ गए, हम अपने गले में लगा कर रखेंगे साइलेंसर। वाह, तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ से खूबसूरती का पता थोड़ी चलता है, आप उस तरफ चल के देखिए, ऐसे ऐसे पेड़ हैं, ऐसे ऐसे बाग हैं, ऐसे ऐसे फूल हैं कि आप देखती रह जाएंगी। चलो का पट्टा साला मुझे दिखाने लाया है कि बाग में घुमाने लाया है। गोभी का फूल भी शर्मा। हाय मर गया, हाय 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 हाय, मुझे आवाज नहीं आई। अरे मर गया, लगता है तुम्हारे भाई को बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ चलो पहले उसको देखते हैं। चलिए चलिए, अरे मुझे बता, आइए 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 आइए। मैं मर गया, ये मर गया। हेलो 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 हेलो, बहुत तकलीफ हो रही है क्या? डोंट वरी, मैं तुम्हारा ऐसा इलाज करूंगी कि सारा दर्द गायब हो जाएगा, मजे से घूमने फिरने लग जाओगे। क्या बहुत दर्द है ना, कोई भी अगर हाथ लगा दे तो सर से लेके पांव तक सारा करंट मार जाता है। फिक्र मत करो, सारा करंट दूर कर दूंगी। मर्द होकर एक लड़की के लिए ये हालत बना रखी? मतलब क्या है ये? कह रहे हैं कि अगर मुझे वो ना मिली तो मैं अपने सारे शरीर के छोटे 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 टुकड़े करके उसके कदमों में डाल दूं। मगर इससे फायदा क्या है? जिंदगी बर्बाद करके किसी को एहसास दिलाया तो क्या किया? अरे मजा तो तब है जब तुम जिंदा रहो और तुम्हारे प्यार के सहारे वो जिंदा रहे। ये क्या कह रहे हैं? भैया कह रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको मुझ गरीब के लिए इतनी हमदर्दी क्यों है? क्यों नहीं, मैं भी इंसान हूँ, मेरे सीने में भी दिल है, मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि इनके दिल पर क्या क्या बीत रहा है। आज तुम्हारा दिल समझ सकता है कि मेरा दिल क्या कह रहा है? तुम? हाँ मैं बिल्कुल ही बिल्कुल पागल हो गया हूँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मुझे नींद नहीं आती, रात भर उल्लू की तरह जागता रहता हूँ, दिन भर सोता रहता हूँ, चारों तरफ तुम्हारी ही सूरत नजर आती है, दीवारों में, दरवाजों में, मटकी में, पतीली में, यहाँ तक की रोटी में भी तुम्हारी सूरत नजर आती है। उस रोज मैं तरबूज नहीं अपना दिल लेकर तुम्हारे पास आया था। मक्कार फरेबी, खुदकशी का बहाना करके अपने इस नौटंकी वाले भाई के सहारे मुझे यहाँ बुलाया था। मैं आपको नौटंकी वाला नजर आता हूँ? खामोश, तुम क्या समझते हो कि मैं खुदकशी का सुन के तुमसे हमदर्दी कर बैठूंगी, तुम्हें चाहने लग जाऊंगी? अरे तुम बाहर से तो क्या आसमान से कूद के मर भी जाओगे ना, तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। अरे यार तुम तो मेरा कचरा ही करते चली जा रही हो। कचरा? अरे तुम खुद कचरा हो, बल्कि कचरा भी तुमसे अच्छा होता है। अगर घर में आईना है तो अपनी सूरत देखो, अगर नहीं है तो मैं पैसा देती हूँ, बाजार से खरीद कर आकर अपनी सूरत देखो। अपना हुलिया देखकर तुम खुद घर जाओगे, गंदे बदबूदार, महीनों से नहाया नहीं, करीब आते हुए डर लगता है, लगता है घोड़े के अस्तबल में से घुसकर आ गया हो। तुम्हें कोई लड़की चाहेगी, तुमसे कोई प्यार करेगी? अरे तुम तो कोई डराने की चीज हो, डराने की। किसी को जहर देकर मारने की बजाय अगर तुम्हारी सूरत दिखा दे तो वो खुद ब खुद मर जाएगा। लेकिन और अगर भूल कर भी मेरा पीछा किया या मुझे तंग करने की कोशिश की तो हथकड़ी लगवा कर जेल भिजवा दूंगी, समझे? हट। Thank you.
तुम एक लड़की को लाकर हमारा सर पे बैठाना चाहते हो? हम ऐसा नहीं होने देंगे रवि। करेक्ट। अरे कभी सोचा तुम लोगों ने अगर इस घर में लड़की आ गई तो जीना आराम हो जाएगा हम सबका? ना 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 ना, इस घर में हम किसी लड़की को नहीं आने देंगे, नेवर। हमें भाभी नहीं चाहिए रवि। अबे उल्लू के चरखो, इतना भी नहीं जानते कि मैं ये सब कुछ तुम लोगों के भले के लिए कर रहा हूँ। हमारे भले के लिए? वो कैसे? अरे भाई, घर में औरत आएगी, तुम सबके लिए मजेदार खाना बनाएगी, बर्तन धोएगी, झाड़ू करका सब कुछ वही तो करेगी। मजेदार खाना बनाएगी, बर्तन भी साफ करेगी, झाड़ू कटका भी मारेगी, यानी कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। कुछ करो रवि, देखो वो हवा के ठंडे झोंके की तरह आई और तूफान की तरह तुम्हें ठेंगा दिखा के चली गई। प्लीज घबराओ नहीं, मैं उसे समझा बुझा कर वापस बुला लाऊंगा। हवा के ठंडे झोंके की तरह। सच? सच, बिल्कुल सच। लेकिन अभी तुम लोग सब दफा हो जाओ, मुझे जरा उसे वापस बुलाने की तरकीब सोचने। हाँ, तो तुम ठीक नहीं कर रहे हो रवि। मतलब एक सीधी साधी लड़की को इस तरह धोखा देना अच्छी बात नहीं है। आ गया ना तू भी मेरे बहकावे में। अरे ये सब तो मैंने अपनी फौज को बगावत करने से रोकने के लिए कहा था। असलियत तो ये है कि मैं सचमुच उसे प्यार करता हूं। ये क्या था? कुछ नहीं बड़े भाई, मैं पिछली दिवाली के बचे हुए पटाखे ढूंढ रहा था। साले पटाखों की क्या भजिया बनाने हैं? अबे ढक्कन, कभी तो अकल इस्तेमाल किया कर। भाभी शादी करके पहली दफा अपने घर आ रही है, उसकी सलामी के लिए कोई पटाखे वटाखे नहीं फोड़ेंगे? आज मैं बहुत खुश हूँ रवि, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम जैसे कोई मेरी जिंदगी में आएगा। तुम्हारा छोटा सा एक भाई होगा, बस हम तीन शहर से दूर, चारों तरफ शांति ही शांति। मुझे शोरोगुल चीखने चिल्लाने से बहुत चिढ़ है। अच्छा, चीखने चिल्लाने से तुम्हें बहुत चिढ़ है? हाँ। है, अरे तुम चुप क्यों हो, कुछ बोलो। क्या बोलो, दरअसल बात यह है कि आपके ख्यालात सुनने के बाद मुझे कुछ घबराहट सी हो रही है। घबराहट? हाँ, घबराहट, खुशी की घबराहट। ओह, जैसे खुशी के आंसू होते हैं ना, वैसे खुशी की घबराहट। तुम्हें सफाई पसंद है, खामोशी पसंद है, लड़ाई झगड़े से तुम दूर भागती हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें खुशी इस बात की हो रही है कि हम सिर्फ तीन है ना। बढ़िया बैंड। क्या बैंड? वो खुशी का बैंड जो घर पे बजेगा ना, मेरा बैंड। भाभी, आपका नौटंकी वाला देवर आपका स्वागत करता है। नमस्ते रवि। इसे तो आप जानते हैं ना, सनी मेरा छोटा भाई, और ये है हमारा घर, हमारा स्वर्ग, हमारा सशक्त।
मेरा दूसरा उल्लू का पट्टा, मेरा भाई शुक्र, और ये तीसरा मंगल। नमस्ते भाभी जी। आइए मैं आपको अपने फार्म में जरा घुमा। नहीं, नहीं क्यों घुमाएंगे, कपड़े थोड़े गंदे हो गए। चले अंदर आइए ना, आइए। भाभी ये हमारा हॉल, यहाँ पर सुबह शाम हम लोग गुरु, ये मेरा चौथा भाई सोम, और ये पांचवा है गुरु, नमस्ते भाभी, और ये है मेरा मालूम है आपका छठा भाई जी बुध। आप लोग इतने ही हैं या चार पांच और भी हैं? जी नहीं, बस हम सिर्फ सात भाई। सिर्फ सात जी? हाँ। पिताजी तो चाहते थे कि हमारा इतना बड़ा खानदान हो कि सब अगर एक साथ खड़े हो जाएं तो पूरा मैदान भर जाए। लेकिन लेकिन बड़े प्यार के साथ उन्होंने हम सबका नाम दिनों के हिसाब से रखा था, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, सबसे छोटा सनी और सबसे बड़ा मैं। अगर आप लोग सात से ज्यादा होते तो क्या होता? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में यूं ही चलता रहता। ये क्या कैलेंडर खानदान है। हाँ फिर लेकिन एक खास बात है हम सातों भाइयों में एक दूसरे से इतना प्यार है कि कुछ पूछो मत। मैं कहाँ पूछ रही हूँ। और जान देते हैं हम लोग एक दूसरे। वो तो नजर आ ही रहा है। ओह गॉड रवि। क्या है? ये क्या है? बावर्ची खाना है और क्या? बावर्ची खाना है कि पागल खाना है? अब जो भी है यही है, इसे पागल खाना कह लो, मुसाफिर खाना कह लो, कबूतर खाना कह लो, इसे तुम्हें खूबसूरत बनाना है। बिल्कुल ज्यादा रोमांटिक मत बनो, मुझे तो इस कमरे को देख के चक्कर आ रहा है। अच्छा मुझे साफ करने दो, तुम बाहर जाओ। ना इंदु देखो, आज ऐसा खाना बनाओ कि खाने के साथ साथ हम लोग प्लेट वेट सब खाएं। सच में जब से माँ मरी है ना, हम लोगों ने ढंग का खाना खाया ही नहीं। रोज कच्चा पक्का खाते रहते, चीनी की जगह नमक पड़ता रहता है, नमक की जगह मिर्ची पड़ती रहती है, तेल की जगह घासलेट पड़ता है। बस 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 घासलेट वेसलेट छोड़ो, बाहर जाके घास पे लेट जा। मैं खाना तैयार होते तुम्हें बुलाऊंगी। आउट आउट। समझ में नहीं आता कहां से शुरू करूं। शुरू हो जाओ। ओ, ये बात है। शुक्र है तुम लोगों में इतनी तहजीब तो है। खासी हड़ताल कर रखी इन लोगों ने, और सच्ची है मैं आराम से यहाँ ऊपर सोऊं और वो लोग वहाँ नीचे मच्छरों के साथ कुश्ती लड़ते रहें, ये तो ठीक नहीं है, ये तो जुल्म है। मेरे ख्याल में मुझे भी वहाँ नीचे चला जाना चाहिए। ठीक है तुम्हारी मर्जी। चलेगी भाई, भाई चलेगी। खामोश, मैं आ रहा हूं, नीचे आ रहा हूं मैं।
और एक खुशखबरी भी सुनानी तुम लोगों को। सचमुच बड़े शर्म की बात है कि मैं अंदर आराम से सोऊं और तुम लोग यहाँ बाहर खुली हवा में सो जाओ। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि जब तक लड़कियां घर में हैं तब तक न मैं अंदर जाऊंगा ना तुम लोग अंदर जाओ। आओ रवि, तुम्हें खुशखबरी भी सुनाने वाले थे ना, वो क्या है? हाँ, मैं तो बताना भूल ही गया। तुम सब लोग चाचा बनने वाले हो। जानते हो, इस घर में जब मैं पहली बार आई थी ये घर घर नहीं था, पागल खाना था, पागल खाना। पहले दिन तो इस घर की सफाई करते करते मैं खुद पागल हो गई थी। इन भाइयों का खाने का घर कौन है? मैं हूँ भाभी। क्या है, अंदर कैसे आ गए? भाभी क्या है कि वो सर्दी बहुत है ना। सर्दी है? मुझे कमल मिलेगा? वहीं खड़े रहो, मैं ला कर देती हूँ। आप तकलीफ मत कीजिए, मैं अभी देकर आती हूँ। हाँ, मैं क्या कह रही थी, बहुत सर्दी लग रही है क्या आपको? देखिए ना, अब सर्दी आराधना जी आई। सोम आउट। हाँ, मैं कह रही थी कि इन भाइयों का खाने का ढंग। अब कौन है? मैं। क्या चाहिए? अभी वो लड़की। लड़की? मेरा मतलब लकड़ी काटते हुए एक टुकड़ा घुस गया। ओ, दवा का डब्बा चाहिए? जी, अंदर आके ले लूं? नहीं, वहीं खड़े रहो, मैं ला कर देती हूँ। नहीं नहीं, मेरे होते हुए आप दवाई का डब्बा देंगी ये तो ठीक बात है, आप बैठिए मैं। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद जाकर देती हूँ। चलो चलो बाहर। अच्छा, ये बात है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे? भाभी वो प्यास लगी थी, पानी मिलेगा? पानी? हाँ, अंदर। अब अगर तुम लोगों में से किसी ने दरवाजा खटखटाया तो बाहर ले जाकर कुएं में ढकेल दूंगी। सारी जिंदगी पानी पीते रहोगे, समझे? चल फुटो यहाँ से। कोई मुड़कर भी देखेगा तो टांगे तोड़ दूंगी। चल चल कुएं का पानी पीते। आज क्या लाए हो? ये तो हालत है, घर का घर बिगड़ा हुआ है, किस किस को सुधारती फिरूंगी।